सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम आए लॉयड कॉलेज में और MCA के स्टूडेंट से बात करेंगे, उसका एक्सपीरियंस जानेंगे कि कॉलेज कैसा है, कॉलेज में वो कैसे आए और यहाँ पे आए हैं तो उनको कॉलेज कैसा लग रहा है, तो सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर लो। अपना नाम आप लोग एक बार बताओ। माईसेल्फ अनिकेत शर्मा। माय नेम इज़ हर्षित कुमार, आई एम डूइंग MCA। माईसेल्फ गौरव कुमार। सो आप लोग को लॉयड कॉलेज के बारे में कैसे पता चला? थ्रू दी फ्रेंड एंड ऑनलाइन मैंने साइट पे देखा। अच्छा, अदर कॉलेज के बारे में एड्स वगैरह जो आते हैं उसके। तो यहाँ पे अभी MCA का जो फीस स्ट्रक्चर है वो कैसा है, मतलब कितनी फीस है यहाँ पे? वो जो हमें बोला गया था स्टार्टिंग से, जो मतलब गूगल पे है जो दिखाते हैं वो अप्रोक्स 1 लाख है। तो ओवरऑल टोटल फीस तो जैसे जो जमा होती है प्लेस यहाँ की कॉलेज कैंपस की वो तो 1 लाख है। सुना कि बहुत ज़्यादा अटेंडेंस का वो क्या कहते हैं क्राइटेरिया है कि कम से कम 75% होना चाहिए और अगर बंक कर दिए तो उस पर दिक्कत है, तो क्या मतलब ठीक ठाक है? अटेंडेंस का क्राइटेरिया तो हर जगह रहता है। हाँ, वो तो जेल बजाज में भी वैसे ही हर जगह रहता है कि 70% आपको अटेंडेंस चाहिए कि आपको कोई एग्जाम देना है या कोई इंटरव्यू में आपका जाना है। तो 70% यहाँ भी वही क्राइटेरिया है। अच्छा, नहीं मतलब ऐसा होता है कि सेशनल वगैरह में डिटेन कर देते हैं? तो अभी आप लोग को मतलब आप लोग लोकल यूपी से हो या फिर कहीं बाहर से हो? नहीं, बाहर से हूँ मैं। बाहर का किस स्टेट से? मैं बिहार से हूँ। अच्छा, आप लोग? मैं उत्तराखंड से हूँ। और आप? मैं दिल्ली से। और मतलब काफी ज्यादा जो बीटेक के स्टूडेंट है या फिर BCA के स्टूडेंट है उनसे ये सुनने को मिला है कि यहाँ पे कोडिंग कल्चर काफी अच्छा है, तो उस हिसाब से अभी आप लोग को कौन कौन सी कोडिंग सिखाई जा रही है यहाँ पे? अभी हमारा मेन फोकस जो है तो वो सी लैंग्वेज पे कराया जा रहा है इस सेमेस्टर में। अच्छा, नेक्स्ट ईयर फिर C++ ऐसे एडवांस होता जाए। तो ये सिलेबस का पार्ट है या फिर ये सर्टिफिकेशन वगैरह करा रहे हैं? नहीं, अभी सिलेबस का पार्ट है, सर्टिफिकेशन का कुछ बताया नहीं है, सिलेबस का पार्ट है। तो अभी उस हिसाब से जो लैब में कंप्यूटर्स वगैरह है उस हिसाब से प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है। अच्छा, तो इसमें मतलब ये है कि जितना कॉलेज पढ़ा रहा है उतना इनफ है या फिर आपको अलग से YouTube वगैरह से देखना पड़ रहा है प्रैक्टिस? कॉलेज जितना पढ़ाता है तो वो तो कभी इनफ नहीं होता प्रैक्टिकल नॉलेज में। हाँ। तो आप जितना एक्स्ट्रा कर सकते हो क्योंकि टीचर मतलब बेसिक चीजें ये बता देते हैं, बाकी अगर आपको अपग्रेड करना और ज्यादा डिटेल में जाना है तो फिर प्लस थोड़ी गाइडेंस भी देते हैं कि हाँ आगे आप ये सर्टिफिकेशन कर लो तो आपको प्रॉफिट होगा अगर पर्टिकुलर फील्ड में जाना है तो। अच्छा, तो आपका इसमें मतलब कोडिंग में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप जो सीख रहे हो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत लोग को कोडिंग से थोड़ी दिक्कत रहती है? बेसिकली हम जो है अभी कंप्यूटर साइंस, मैंने जो है BSc किया है कंप्यूटर साइंस। अच्छा, तो मुझे तो अभी तक जो है सी तो हमारे लिए बहुत बेसिक है, तो हम क्योंकि पहले भी हमने पढ़ी है तो अभी तक तो जितना मैम पढ़ा रही हैं सर पढ़ा रहे हैं वो सब तो ठीक अच्छा समझ में आ रहा है। अच्छा, क्योंकि इसमें है ना डिफरेंट टाइप के बंदे हैं, कुछ सिंपल BSc से आए हैं, कोई BCA के थ्रू आए हैं करके आए हैं, तो मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं ताकि किसी भी एरिया के बच्चा हो सबको समझ में आ जाए सारी चीजें, उनको भी समझ में आ जाए। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप पहले से कोडिंग जानते हो या फिर ग्रेजुएशन में आपने क्या किया, मतलब आपका BCA किया था मैंने? अच्छा, तो फिर आपकी भी कोडिंग पहले से ही है। अच्छा, तो ओवरऑल मतलब कॉलेज कैसा लगा आप लोग को यहाँ पे? कॉलेज अच्छा है, कॉलेज कैंपस भी हमारे अच्छे हैं। कैंपस तो काफी ज्यादा अच्छा, सीनियर भी, और सबसे बड़ी बात है सीनियर से मैंने को थोड़ा बहुत बात भी किया, उन्होंने अच्छा लगा, मतलब ये अच्छे से बात की है। क्लास है हमारी, फैकल्टी भी अच्छी है, रेगुलर बेस पे चल रही है, मतलब सुबह से लेके शाम तक। तो मतलब यहाँ पे तो और भी कॉलेजेस है, गलगुटिया हो गया, जेल बजाज हो गया, मतलब वहाँ के लिए डोनेशन के लिए लड़के एकदम मरे रहते हैं कि भाई हमको जाना है तो वहीं जाना और कहीं नहीं जाना। मेरे को सबसे बड़ी बात कि लॉयड की फैसिलिटी एक चीज अच्छी लगी यहाँ की, कि अदर कॉलेज से देखा जाए ना तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जैसा होता है ना आपका एक्स्ट्रा एक्टिविटीज वगैरह वो यहाँ करवाते हैं, अदर जो जैसे होता है आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपको होता है तो आपको एक्स्ट्रा लेकर वो स्किल जो डेवलपमेंट है वो सब ये लोग प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब मेरा वही नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें करवाते हैं? जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ा रहे हैं या कोडिंग वगैरह हो रहा है तो वो लोग खुद से मतलब वो PPT के थ्रू आके तुमको समझाते हैं, मतलब वो खुद बताते फिर तुमको आके रो रन करवाते हैं। तो मतलब ये सब इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए सारी चीजें कराते हैं? ये हमारे सेकंड सेमेस्टर से इंटरव्यू की, जो हमारी सेकंड सेमेस्टर बोला गया, सेकंड सेमेस्टर से हमारी इंटरव्यू की जो भी होगी सब चीज प्रिपरेशन चालू हो जाएगी सेकंड सेम से ही। और अदर कॉलेज में होता क्या है कि फर्स्ट मतलब फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद से होती है, लेकिन यहाँ है कि सेकंड सेमेस्टर से स्टार्टिंग से हमारी शुरू हो जाएगी। अच्छा, अभी तक आपने मतलब सीनियर से बात की होगी आप लोगों ने या फिर जो मतलब एडमिशन के टाइम पे इन्होंने बोला होगा, तो एवरेज प्लेसमेंट या हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना आप लोग को अभी
कॉलेज में आके एक्चुअल लग रहा है, क्योंकि कॉलेज देखो प्रमोशन वगैरह तो करता रहता है, लेकिन एक्चुअल कितना एवरेज मेरे को 4-5 या 6 अप्रॉक्स 6 लगता है। मतलब अगर आपकी कोडिंग स्किल अच्छी है तो और मैं ये भी देखा हूँ ना कि आप कहीं भी हो, किसी भी कॉलेज से हो, अगर आपकी कोडिंग स्किल अच्छी है तो आप बाहर से भी जाके कहीं ना कहीं से प्लेसमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो आपको एवरेज 8-9 तक हो गया तो वो कोडिंग बेस्ड हो गया है। आपको स्किल कितना आता है उस पे जॉब मिलती है, आप कहाँ से पढ़े हो, किस कॉलेज से पढ़े हो, मैटर नहीं करता। ठीक है, आपका इंटरव्यू में बैठने का हो गया, अब उसके बाद जो आपकी जॉब मिलेगी वो आपके स्किल के बेस पे मिलेगी। ये नहीं कि अगर आप जेल बाजार से पढ़े हो तो आपकी जॉब लगनी भले आपको कोडिंग आती हो उसने एट द एंड यही देखना है कि सब तो एक ही ट्यू से ही है, चाहे आप जेल बाजार जाओ चाहे लॉयड जाओ, है दोनों एक ही ट्यू के अंदर तो एट द एंड तो बच्चे की स्किल कैसी है वही डिपेंड। और डिग्री भी लगभग सेम ही मिलती है, डिग्री पे कोई कॉलेज का नाम नहीं रहता, उस पर एक ही ट्यू ही रहता है डिग्री पे। अभी तक मतलब इतने दिनों में आपको यहाँ पे कॉलेज लाइफ कैसी लगी? कॉलेज लाइफ इंटरेस्टिंग है, फैकल्टी लड़कियां वड़कियां है या नहीं है? फैकल्टी मेंबर अच्छे हैं। अच्छा, क्योंकि मैकेनिकल वाले काफी ज्यादा फैकल्टी मेंबर स्ट्रिक्ट होते हैं तो उतना ज्यादा अच्छा माहौल नहीं बन पाता। अच्छा, तो सपोर्टिव मतलब है, अच्छे हैं। अच्छा, और कैंपस वगैरह में मतलब बैठने बैठने में, क्योंकि एक IMT कॉलेज है बगल में, उस पर अगर आप ग्राउंड में आके बैठोगे तो वो जो होते हैं मतलब प्यून वगैरह होते हैं वो उठा के भगा देते हैं। ऐसा नहीं है, आप आओ, आप आराम से बैठे हो, बहुत अच्छा। ऑब्वियस बात है, अगर आप कुछ हरकत कर रहे होगे तो वही भगाते। नहीं, नॉर्मली अगर आप बैठ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं कि क्लास में जाके बैठो। 4-5 जने अगर ग्रुप बना के भी बैठे हुए हैं, कुछ अगर आप बात कर रहे हो नॉर्मल हंसी मजाक भी तो उठाते नहीं है। अच्छा, वो है तो ओवरऑल मतलब लाइफ आगे ठीक ठाक है, कोई डिस्टरबेंस वगैरह उतना नहीं। आप लोग का पूरा रूटीन क्या होता है, मतलब सुबह से आप लोग कैसे क्या करते हो, आप लोग एक एक बार बता दो अपने बारे में। मैं तो आता हूँ लक्ष्मी नगर से, तो डेली से आते हो 6-7 के अराउंड मेरे को निकलना होता है, तो यहाँ पे अपना 9 तक आ जाता हूँ, फिर 9:20 से अपना क्लासेस, 12:30 से 1:30 तक 50 मिनट्स का, बेसिकली 12:30 से 50 मिनट्स आपका लंच पीरियड होता है, उसमें आप लंच करो। कुछ कॉलेजों में होता है कि हाँ लंच में आपको बाहर नहीं जाने देते, हाँ, कैंपस में रह रहे, यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपके पास गेट खुला है, आप आसपास जाओ, लंच से पहले आप अंदर आ जाओ। अच्छा, लंच के बाद आते हो तो ऑब्वियस बात है आपको, लंच के बाद भी अगर आप बंक करना चाहते हो तो बंक कर सकते हो, जा सकते हो, बट अंदर आने टाइम में आपसे एक बार चेक किया जाता है कि हाँ कैंपस का बच्चा है कि नहीं, बाहर का बच्चा, चेक करते हैं एक बार आईडी कार्ड। तो आप कॉलेज का हॉस्टल या फिर पीजी वगैरह यहाँ पे लोकल हॉस्टल क्यों नहीं लिया? बेसिकली क्योंकि अभी फाइनेंशियल कंडीशन की बात होती है कि किसका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, तो मेरे को अभी बेटर लगता है कि हाँ अभी मैं अप डाउन में ठीक कर सकता हूँ। ऑब्वियसली बात है टाइम थोड़ा थकान हो जाती है, टाइम भी लगता है दिल्ली से आना जाता है, पर हाँ अभी उतना ज्यादा नहीं है स्ट्रेसफुल कि हाँ आपको करना है। आगे जैसे जाकर के स्टडी अगर बढ़ेगी तो मैं प्रेशर बढ़ेगा तो फिर यहाँ पर तो यहाँ देखना कर पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे जो जेल बजाज के वो डायरेक्टर आए हैं तो उनका कोई रोल है, मतलब उनसे उनके आने से कोई बेनिफिट आप लोग को है? जेल बजाज से जो ये आए हैं डायरेक्टर वगैरह, उनका सबसे बड़ा क्या था वो आने का एक चीज यहाँ पे ये चीज देखा गया है कि हमारा जो था ना ये सेकंड सेम से हमारा जो इंटरव्यू वगैरह का प्रिपरेशन होगा, एक्स्ट्रा क्लासेस जो चलेंगी वो उन्होंने क्या किया 5 बजे से कर दिया। सुबह के 5 बजे? हाँ, सुबह के 5 बजे। सेकंड सेमेस्टर से होंगे। अच्छा, सेकंड सेमेस्टर। हाँ, आप लोग भी आओगे? हाँ, तो आपको दिल्ली जाने में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने बोला है आगे जैसे टाइम बढ़ेगा तब उस हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेटर नोएडा या फिर ओवरऑल पूरे दिल्ली NCR में कोई भी कॉलेज सुबह 5 बजे नहीं खुलता, सबके वही टाइम होता है 9-10 बजे ही होता है, मतलब स्टूडेंट आते हैं। सीनियर से जितना सुना है तो 60% से आते हैं। अच्छा, जो मतलब मतलब सिंसियर होंगे, जिनको लगता होगा हमें कुछ सीखना है, उनको तो आना ही है, बाकी जिनको सोना है वो तो सोते ही रहेंगे। 6 बजे का जो सोने वाले वो तो 9 बजे भी नहीं आ पाते। सही बात है। 6 बजे का जो इन्होंने बताया है कि 6 बजे से क्लास होती है, तो वो आपकी ओवरऑल वो बाहर का क्या बोलते हैं प्रोफेशनल लाइफ को सिखाते हैं कि उसमें क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है। बाहर से जो लोग आते हैं वो क्लास लेते हैं, लेक्चर्स देते हैं। अच्छा, कि हाँ मार्केट ऐसा है, आपको ये चीज़, मतलब गेस्ट आते हैं आपको। हाँ, वो बताते हैं बाहर के मतलब कॉर्पोरेट कैसा कल्चर है। कॉलेज की फैकल्टी नहीं होती है, बाहर से गेस्ट आते हैं। सुबह 5 बजे बाहर के लोग आते हैं पढ़ाने आपको? हाँ, क्योंकि अभी रिसेंटली भी BCA का हुआ था लेक्चर, तो उसमें कोई अभी जापान से आए हुए हैं, वो यहाँ पे विजिट करके गए थे। अच्छा, रिसेंट की बात है, इसी मंथ की
इस मंथ या लास्ट वीक की बात है, मतलब कि एक्सपोजर काफी अच्छा यहाँ पे मिल रहा है अगर हम मंगलमय से या फिर जीएनआईटी से कंपेयर करें तो मुझे लग रहा है ठीक है यहाँ पे, ठीक है। फीस का देख ले, फैकल्टी का देख ले, और फिर स्टडी कैसा चल रहा है, लैब बेसिकली अगर आप आईटी फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको लैब, तो आपको लैब की ज्यादा नॉलेज चाहिए, प्रैक्टिकल ज्यादा आना चाहिए, तो वो चीज अगर ये प्रोवाइड कोई भी कॉलेज, खास लॉयड का नहीं बोलूंगा, कोई अलग कॉलेज प्रोवाइड, अगर वो चीजें प्रोवाइड कर रहा है आप देख लो कि वो क्या क्या करिकुलम में क्या क्या चीजें डाल रहा है, क्या क्या चीजें आपको दे रहा है, सर्टिफिकेशन वगैरह क्या क्या दे रहा है, अगर आप कॉलेज चूज करते हो तो प्रॉफिटेबल ही है आपके लिए। तो सर्टिफिकेशन वगैरह भी इन्होंने कुछ बोला था एडमिशन के टाइम पे? सर्टिफिकेशन का तो अभी नहीं बताया था, हाँ कोर्स का बताया था, उन्होंने कहा था साथ में साथ आपको हम नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे कि आप इस कोर्स में जाइए, ये सर्टिफिकेशन कीजिए, जो फ्री हैं पेड हैं वो सब इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर दिया करेंगे आपको। अच्छा, ये चीज बोली गई थी। तो आप अपना रूटीन बता रहे थे, एक बार आप बता दो। हाँ, मैं अल्फा टू में रहता हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने 5 फ्रेंड मिलकर मेड आती है खाना बनाने, सुबह सुबह आ जाती है 6 बजे। मेड के बारे में बता दो क्या लेती है ताकि जो आ रहे हैं उनको रूम लेने का शौक रहता है। पर पर्सन 1000 लेती है। अच्छा, 1000 पांच लोग से 5000 वो मेड लेती है। ठीक है, फिर आती है खाना बनाती है, मैं लंच लेके आ जाता हूँ अपना कॉलेज 9 बजे वहाँ से। एक्चुअली एक प्रॉब्लम है वहाँ से ऑटो की अल्फा टू में। अच्छा, मतलब जितने स्टूडेंट एरिया वहाँ पे है हमारे, ठीक है ना, स्टूडेंट सब वही रहते हैं, तो वहाँ से मैंने की क्राउड ज्यादा हो जाता है, ऑटो जल्दी मिल नहीं पाते हमारे। अच्छा, हाँ तो वो थोड़ा वो लगता है कि हाँ, इसलिए थोड़ा आधा घंटा पहले निकलता हूँ कि टाइम से अपने कॉलेज पहुँच जाऊँ। कॉलेज पहुंचता हूँ, क्लास करता हूँ, फिर लंच होता है तो लंच में लेके आता हूँ, लंच करता हूँ, फिर घर जाकर थोड़ा देर रेस्ट करता हूँ, लंच फिर खाना वाना बनाता हूँ, क्योंकि मेड आती है 2 ही टाइम आती है। अच्छा, रात में नहीं आती है? रात में आती है। अच्छा, सुबह और रात आती है। अच्छा अच्छा, तो मतलब मेड मेड है कि संडे को छुट्टी रहता है उनका। अच्छा, संडे को खुद ही बनाना पड़ता है, लेकिन यह कि घर के जैसा खाना मिल जाता है, कोई पीजी जैसा दिक्कत नहीं, नहीं होती होगी, इसीलिए तो मैंने पीजी नहीं लिया। लेकिन आप अभी आए हो, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, आप फ्लैट भी वगैरह ले लेते, मिलना तो बहुत मुश्किल होता है ना यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे एक मेरे भैया है, वो जॉब कर रहे हैं अमेज़न में। अच्छा अच्छा, तो वो पहले से है, तो उनको पता था, तो उन्होंने उनको बोला था, उन्होंने फ्लैट व्लैट खोज के रखा था। अच्छा, तो आपको जॉब में भी कोई दिक्कत नहीं आनी है क्योंकि आपके भैया पहले से ही वहाँ पे है। फिर वही घर जाता हूँ तो खाना वाना खाता हूँ, थोड़ी देर बाद पढ़ने बैठता हूँ, पढ़ता हूँ रात को वही 10-11 बजे तक पढ़ता हूँ, फिर खा के सो जाता हूँ। अच्छा, तो जो फ्रेशर्स अभी आने वाले हैं यहाँ पे, स्पेशली एमसीए वाले बच्चे, उनको आप क्या गाइड करोगे कि मतलब वो कैसे कॉलेज में और क्या क्या चीज़ों को देखें, अगर कोई कॉलेज वो देख रहे हैं, क्योंकि आप वो चीज़ें देख चुके हो, तो आप बताओ कि एडमिशन लेने से पहले कौन कौन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? एडमिशन लेने के टाइम अपना पहले टीचर से, मतलब ये अपना स्कॉलरशिप के बारे में पता कर लें कि आपका क्या, क्योंकि कभी कभी होता है ना क्या कि टीचर लोग स्कॉलरशिप के बारे में बात नहीं करते, तो लोग पूछेंगे तभी ना, पूछना पड़ेगा उनको, स्कॉलरशिप लेना पड़ता है। और फिर कोई कैसा पढ़ाते हैं क्या है सबसे उनको पता करना पड़ेगा, प्लेसमेंट वगैरह कौन से कंपनी आती है यहाँ नहीं आती है, ये चीज है। तो ये चीज आप क्या गाइड करना चाहोगे पढ़ाई से और थोड़ी चीजें से हट के, क्योंकि बहुत जब एडमिशन का टाइम होता है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कॉलेजेस के लोग, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज से कॉल आता है, तो वो मतलब डिस्टर्ब होते हैं कि डिस्टर्ब होते हैं कि वो कौन सा कॉलेज चूज करें, कौन सा, डिसाइड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। देखो, कॉलेज अच्छा है ये, क्योंकि जैसा सब लड़के एडमिशन लेने से पहले यही देखते हैं, कोई ऑनलाइन और कॉलिंग भी बहुत आती है कि हम तो कॉलेज में वो करा देंगे, है ना। तो एडमिशन से पहले तो एकदम प्लेसमेंट भी लोग लगवा देते हैं, हम गारंटी लेते हैं। देखो, गारंटी कुछ नहीं होती है, सारा डिपेंड आप पे करता है। अगर आप में स्किल है तो आपको डेफिनेटली मिली जाएगी, जॉब मिलती है, है ना। तो वैसे ये जो कॉलेज है इसमें पढ़ाई के, क्योंकि मैं भी देख रहा था काफी टाइम से, कुछ सीनियरों से भी बात की थी मैंने आने से पहले, तो उन्होंने जो है बताया था कि पढ़ाई बहुत अच्छी है इसमें, क्योंकि नॉर्मली ये सारी चीजें तो और कॉलेजों में भी ज्यादा हैं, जैसे घूमना वगैरह, है ना, ये सारी चीजें हैं उन कॉलेजों में भी, लेकिन ये कॉलेज पढ़ाई के लिए ज्यादा फोकस करता है। बैठो, वहाँ पे आता हूँ, पढ़ाई के लिए ज्यादा फोकस करता है ये कॉलेज। अच्छा, तो आप बताओ कि मतलब जो फ्रेशर्स आ रहे हैं उनके, अगर फ्रेशर्स आ रहे हैं तो कोई भी अगर कॉलेज ढूंढने जाता है तो पहले वो अपना फाइनेंशियली देखता है कि भाई वो कितना कर सकता है, हाँ उसकी फैमिली कितना उसे सपोर्ट कर सकती है, फिर आप वो देखते हो कि कौन से यूनिवर्सिटी का आपको वो दिया जाता है सर्टिफिकेट वगैरह, ठीक है, एफिलिएशन कहाँ से, हाँ एफिलिएशन कहाँ से है बेसिकली, फिर आप मेन फोकस आपका पढ़ाई से लेके नहीं रहता, कि पढ़ तो आप खुद भी लोगे अगर सेल्फ स्टडी आप
अभी कर रहे हो तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, कैपेबिलिटी सब में होती है, करना नहीं चाहता। फिर होता है कि आप प्लेसमेंट किस हिसाब से दे रहे हैं वो कॉलेज वाले, तो उसके लिए आप टीचर से बात करो, टीचर लोग तो बताते हैं, बस जितना हो सके आप सीनियर से इंटरेक्ट करो, स्टूडेंट से जितना इंटरेक्ट करोगे उतना आपको अच्छा रहेगा। अच्छा। कि पता रहेगा किस हिसाब के कंपनियां विजिट होती है, किस हिसाब का बच्चों का प्लेसमेंट लगता है। अच्छा। सारी चीजें हमने डिस्कस की है, मतलब ओवरऑल जो भी एक स्टूडेंट को जरूरत होती है यहाँ पे आने से पहले सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। तो अभी कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को उम्मीद है कि नहीं होगा, फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं आप लोग को जब वीडियो अपलोड करूंगा तो लिंक दे दूंगा, तो आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चन करता है कमेंट में कुछ भी पूछता है तो आप लोग उनका रिप्लाई आराम से दे दोगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।